देखिए 2014 में जब से मोदी जी आए उसके बाद में एक से एक प्रहार लोकतंत्र पे किया जा रहा है, दूसरी विपक्षी पार्टियों पे किया जा रहा है, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है। और आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के चुनाव जब थे तो 2016 में 8/11/2016 को अचानक रात को देश के प्रधानमंत्री जी टीवी पे आए, नोटबंदी की। वो नोटबंदी देश के फायदे के लिए नहीं थी, उत्तर प्रदेश में चुनाव कैसे जीता जाए, बसपा का और दूसरी पार्टियों को कैसे वहां पर चुनाव लड़ने से रोका जाए, उनका पैसा कैसे सीज करके बैंकों में लेकर के फिर नहीं दिया जाए, उससे इन्होंने शुरुआत की। और उसके बाद में आप एक से एक देख रहे हो कि 2019 में फिर पुलवामा, और उसके बाद में अब नेशनल पार्टी कांग्रेस की जो सबसे पुरानी पार्टी जिसने देश की आजादी में त्याग तपस्या और बलिदान का इतिहास रहा, उस पार्टी के खाते सीज करके उसका बैलेंस शून्य कर देना, चुनाव लड़ने के लायक नहीं छोड़ना, वो कोई बात नहीं कर सके, किसी तरीके का 1 रुपए का खर्चा नहीं कर सके। और ताजा जो 100 करोड़ रुपए के लगभग हमारी पार्टी ने जो डोनेट फॉर देश और डोनेट फॉर भारत जोड़ो न्याय यात्रा में लिया, उसको भी सीज कर देना, दूसरी पार्टियों को डरा देना, अलायंस नहीं करे इसके लिए मजबूर कर देना, और अलायंस करे तो फिर केजरीवाल जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के उनको तत्काल आकर के फोर्स ला करके उसको जेल में डाल देना। हेमंत सोरेन के साथ में क्या हुआ आप सबके सामने देखा होगा। और ये तो तब हो रहा है जब देश के सामने सुप्रीम कोर्ट माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये कह दिया कि ये जो इलेक्ट्रोल बॉन्डों से जो पैसा लिया गया है ये स्कीम ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी, ये पैसा इलीगल है। एक तरफ जनता का पैसा अपनी प्यारी पार्टी को दिया गया उसको सीज करना, और खुद के लिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम से इलीगल जमा किया हुआ धन ईडी इनकम टैक्स और सीबीआई की रेड डाल करके और काम के बदले पैसा लेकर के किए गए पैसे से एकतरफा चुनाव लड़ना, और ईवीएम का जो गड़बड़ झाला है वो सबके सामने है। इन सब तमाम प्रयासों से देश के प्रधानमंत्री जी जो बार बार कह रहे हैं कि 400 पार, भाई 500 कितनी सीटें, 43 हैं कितनी हैं, सारी ले लो, मना कौन कर रहा है। अगर इसी तरीके से करना है, अभी भी मैं राजस्थान का उदाहरण देके कहना चाहता हूं, कुछ हमारे जो उम्मीदवार हैं जो कांग्रेस में आए हैं और जो जिनको टिकट मिली है उनको भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा ये कहना कि आप कांग्रेस मत ज्वाइन करो, कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद में ये कहना कि 25-0 हो रही है आपके लिए ठीक नहीं होगा, इस तरीके की भावभाषा यहां भी चल रही है और देश में, पूरे देश में चल रही है, हर स्टेट की यह हालत है। ताजा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।